उमर साहब के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि न उनके पास हमें देने के लिए कुछ है, न हमें हमारे पास कुछ उनके लिए है। हमारा जो हक छीना है, जो हमारे वसाइल छीने हैं, जिन पर डाका डाला गया है, वो कोई और है। हमने कोशिश की थी कि हम इकट्ठा चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप उमर साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक हम इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे, हम उनको फिर दावत देंगे कि हमारे साथ चलें और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वो हक छीनने का, वो हक वापस लाने का स्टेट को, उसमें अपना काम करें। दूसरा ये जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, उनको लगता है कि उनका हक है ये कि लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें, वो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बीजेपी की असली ए टीम कौन है, ए वन टीम कौन है, जिन्होंने यहाँ के इत्तेहाद को पारा पारा किया, जिन्होंने यहाँ के ये जो यूनिटी है लोगों की, पॉलिटिकल यूनिटी और फ़िरकावाराना यूनिटी, उसको उन्होंने पारा पारा किया। और इसीलिए बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो कश्मीर में अपने ये उठाएं, अपने ये कैंडिडेट्स उठाएं, क्योंकि उनका काम तो, उनको पता है हमें कश्मीर से कुछ मिलना नहीं, उनका काम है सिर्फ तफरुका उठाना, हमारे कश्मीरों को डिवाइड करना। तो वो काम तो अब हमारे अपनों ने किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई है, वो तो कर रहे हैं। तो हम तो हर किसी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे इस मिशन में, जो कोई हो। हमने फारूक साहब को इज़्ज़त बख्शी थी, वो हमारी पार्टी ने, हमने बिल्कुल, आपने देखा कोई एक्टिविटी हमने की थी यहाँ कहीं भी नहीं, तो हमने फारूक साहब को किया था। और फारूक साहब भी एक इज़्ज़त के साथ अपनी ये जो सियासी बिसात है उसको इज़्ज़त के साथ समेटने का एक मौका मिला था, लेकिन पता नहीं किन परेशानियों के बायस, किन प्रेशर्स के बायस उन्होंने ये ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि उमर साहब लोगों से कुछ ऐसी नई बात कहते हैं, मतलब जो उनकी असलियत है वो तो पहले ही जाहिर हो चुकी है। वही है जहाँ थी 1999 में, कश्मीर का दायमी हाल, पीस विद डिग्निटी, बातचीत, और जो उसके बाद 5 अगस्त को हुआ, उस दिन हमारे से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, जो हमें आईने हिंद के ने दिए थे, जो हम बहसत हिंदुस्तान के शहरी, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने इल्हाक किया था, और उसमें हमने अपने आप को दिए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करके हिंदुस्तान के आइन में उसमें दर्ज किया गया था, उन हकूक़ पर शब खून डाला गया है। और हमारी कोशिश रहेगी, जैसा कि महबूबा जी कहती हैं, कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने आइनी हकूक़ वापस करने के लिए इंशाल्लाह जद्दोजहद कायम करेंगे। और हमारी वही एक तहरीक, हमारी हुकूमत बनाने के लिए कोई तहरीक नहीं है।